लग्जरी कार में अवैध शराब बेच रहा युवक गिरफ्तार। हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी शराब। लॉकडाउन का फायदा उठाकर ज्यादा रेट पर बेची जा रही थी शराब। एक तरफ जहां देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपदा में भी अवसर तलाश करने से बाज नहीं आ रहे। लोग है कि कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा एक मामला सराय रोहिल्ला थाने का है, जहां पर पुलिस टीम ने इस एक सराय रोहिल्ला शिषपाल के निर्देशन में एक युवक को पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर लाई गई अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया है। नार्थ जिले के DCP इंटो अल्फोस के मुताबिक आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है, जो कि शास्त्री नगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हरियाणा से अवैध शराब लाकर इलाके में बेच रहा है। यदि तत्काल छापेमारी की जाती है, जिस पर पुलिस ने टीम के छापे मारकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा से तस्करी कर लाई गई भारी मात्रा में शराब बरामद की, जो कि लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा रेट के मार्केट में बेची जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक SUV कार भी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल शराब बेचने के लिए किया जा रहा था।